हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। आज भी मैं आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ जो कि जीके और जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर के। लेकिन आज की ये वीडियो आपकी स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो आपकी पॉलिटी से रिलेटेड होने वाली है। पॉलिटी के आज हम इसमें सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हुए हैं और आप अपना रिविज़न बहुत ही बेहतर कर सकते हैं इस वीडियो को एंड तक देख करके। एंड प्लीज़, आपको जो सजेशन हम रोज़ दे रहे हैं कि अपने प्रिपरेशन को आप ब्रेक मत करिए। गवर्नमेंट किस डिसीजन पर कब पहुंचेगी, क्या डिसीजन लेगी, वो सारी चीजें हम गवर्नमेंट पर छोड़ देते हैं। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना, तो हम सिर्फ उस चीज पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस वो कैसे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर आपके दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है। निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में आपको कुछ बातें बताई गई हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वो क्या 1921 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। और लास्ट ऑप्शन है कि इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। तो हम आपको बता दें कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल भी गलत है। इस अधिनियम को, भारत शासन अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नहीं बोला गया था, बल्कि इस जगह पर भारत शासन अधिनियम 1919 को कौन सा सुधार कहा गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा कहा गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया था। ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है किस शासन अधिनियम को कहते हैं, तो आप याद रखिए भारत शासन अधिनियम 1919 को कहते हैं। और इस समय जो है मॉन्टेग्यू भारत के सचिव और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं वो क्या होते हैं, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, या फिर 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि भारत शासन अधिनियम 1919 का जो था इसके तहत जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, यानी राइट टू वोट फीमेल्स को कब मिला था। तो आप कहेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम को। और अभी मैंने आपको बताया कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को हम किस एक और नाम से जानते हैं, तो इसे हम लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है 92वां संविधान संशोधन। कौन सा 92वां संविधान संशोधन आपसे बोला गया है कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। 92nd अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो इसके तहत कौन सी लैंग्वेज को जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली या फिर नेपाली। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैथिली। मैथिली को जो है वो 92nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। अगर हम बात करें कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप याद रखिए कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। अब हम बात करें कि 92वां संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक तो मैथिली जोड़ी गई थी, दूसरी आपकी डोंगरी जोड़ी गई थी, तीसरी आपकी बोडो जोड़ी गई थी, कौन सी बोडो जोड़ी गई थी, और चौथी आपकी कौन सी संथाली जोड़ी गई थी, ठीक है। ये चार भाषाएं अगर ऑप्शन में, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन में मिले, मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली, तो आपको तुरंत याद रखना है कि ये चारों भाषाएं कब जोड़ी गई थी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ी गई थी। और अब जो है 8वीं अनुसूची में कितनी टोटल भाषाएँ हो गई हैं, तो टोटल आप याद रखिए 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। और किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फोर आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश कौन से देश से किया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव प्रक्रिया है वो किस देश से लिया गया है, ये आपसे सिंपली पूछा है।
आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो आप याद रखिए कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों के जो चुनाव की प्रक्रिया है वो ली गई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि दक्षिण अफ्रीका से एक कौन सी और मेजर चीज़ ले गई है, तो आप याद रखिए कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में चक्षु पब्लिकेशन की लेखपाल की बुक सजेस्ट की थी, जो कि बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन है। आज हम आपको इसके एक बहुत ही अच्छी एडिशन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, जो कि चक्षु पब्लिकेशन ने पब्लिश की है, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वीडियो की बुक है। किसकी बुक है? ये वीडियो की बुक है। ये आपकी वीडियो की तैयारी को बहुत ही बेहतर करने के लिए इसमें जितने भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके ऐड कर सकते थे उन सारे कंटेंट्स को इस बुक में ऐड किया गया है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि वीडियो के लिए इससे बेटर बुक तो आई थिंक हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी छोटी आपकी मेजर चीज़ों को ध्यान रखा गया है, तब जाके इस बुक को इंक्लूड किया गया है। और इस बुक में आपके सारे वो कंटेंट्स मिलेंगे जो चीज़ें आपकी वीडियो की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, 2 आपको सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे और साथ ही साथ 3250 से ज़्यादा जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड चक्षु पब्लिकेशन ने आपकी इन चीज़ों को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए जितना भी उनसे हो सकता था उन्होंने सारी चीज़ों को इसमें प्रोवाइड किया है। इसमें आपकी उन्होंने किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये सारी चीज़ों को भी उन्होंने मेंशन किया है। साथ ही साथ अगर हम आपके इस बुक के इंडेक्स को दिखाना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप जो है अपनी वीडियो की तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं और देखिए 2016 और 2015 के जो आपके क्वेश्चन पेपर थे उन्हें भी सॉल्व करके इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप अपनी वीडियो की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप अभी जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जहां से आप वीडियो के इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो अभी जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक को आप ज़रूर परचेस करिए। ठीक है, एंड हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप चक्षु पब्लिकेशन की लेखपाल और वीडियो की बुक को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि विदाउट एनालिसिस हम आपके सामने कोई भी बुक लेकर हाजिर नहीं होते हैं। और अगर हम आपको चक्षु पब्लिकेशन सजेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत ही मेजर सी रीज़न है कि हम आपको जानते हैं कि आप अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो आप इनसे बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे जो आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से करेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर इसको परचेस करिए और बाद में हमें इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर फाइव। हमसे कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहाँ से लिया गया, यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो है किसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ऐसा प्रावधान कहाँ से लिया गया है ये आपसे पूछा गया है। इंग्लैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है या फिर कनाडा से लिया गया है। तो आप याद रखिए कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ऐसा प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा के संविधान से ये चीज़ों को हमने एब्जॉर्ब किया है। भारत के संविधान में केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ये हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहें कि कनाडा के संविधान के प्रावधान के साथ साथ सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था होती है ये भी हमने कनाडा से लिया है। और एक बहुत और मेजर से चीज आती है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। हमने आपको शक्तियां बताई हैं कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र में निहित होती हैं ये भी चीजें हमने किससे ली हैं, कनाडा के संविधान से ली हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सिक्स। आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया है। भारत के संविधान में जो मूल अधिकारों का समावेश है वो कहाँ से किया गया है, फ्रांस से, अमेरिका से या फिर जापान से। तो आप याद रखिए कि जो हमने मूल अधिकार लिए हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इन अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और अगर हम बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने और कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, तो आप याद रखिए कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया होती है वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से ही एब्जॉर्ब किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कहाँ से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो आप याद रखिए कि समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ही हमने जो है समवर्ती सूची को एब्जॉर्ब किया है, तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और किस कंट्री से हमने क्या लिया है, ये चीज़ें आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया से हमने और कौन सी मेजर चीज़ें ली हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया है, साथ ही साथ इसके संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की प्रक्रिया होती है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर एट आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है, ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आप याद रखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935, और इसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है भारत के संविधान पर पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर नाइन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा किस संविधान से प्राप्त हुई है। नीति निदेशक तत्व, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट टाइम रिपीटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, आप याद रखिए इसका राइट आंसर आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने जो है नीति निदेशक या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर हम कह लें, तो ये चीज़ें हमने किससे ली हैं, आयरलैंड से एब्जॉर्व किया है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आयरलैंड के ही संविधान से हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो होती है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से एब्जॉर्ब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर टेन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है, ये आपको बताना है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय या फिर उपयुक्त सभी। तो आप याद रखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये तीनों ही न्याय आते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन है। और ये सारे के सारे जो है कहाँ से लिए गए हैं, ये आदर्श जितने हैं वो 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित हैं। किससे, 1917 की जो रूस की क्रांति थी उससे जो है ये सारी चीज़ें प्रेरित हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। समाजवादी जो वर्ड है वो संविधान की प्रस्तावना में कहाँ से सम्मिलित किया गया है, ये आपको बताना है, 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 43वां संविधान संशोधन द्वारा या फिर 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो आप याद रखिए कि समाजवादी जो वर्ड है वो हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो सन भी आप याद रखिए 1976 में हुआ था। ठीक है, इसी के द्वारा जो है समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। और अगर हम बात करें कि समाजवाद का मतलब क्या है, तो समाजवाद का मतलब है कि समाज में आय, प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर में विषमता का अंत करना, यानी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, ना तो आय का, ना फिर पद का या फिर जीवन यापन के स्तर का, और हम जो है एक दूसरे के साथ में समान रहेंगे, ये चीज़ें हमें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ऐसी बातें हमें उच्चतम न्यायालय ने माना कि किस उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया वाद, बनारसी वाद, केशवानंद भारती वाद या फिर बेरुबाड़ी यूनियन वाद। तो आप याद रखिए कि बेरुबाड़ी यूनियन वाद जो हुआ था, इसी के तहत उच्चतम न्यायालय ने माना था कि जो उद्देशिका है वो जो है संविधान का अंग नहीं है। उन्होंने इस वाद में ही उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसके बाद में केशवानंद भारतीवाद हुआ था, उसमें जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग मान लिया गया था। यानी आपको दोनों चीजें क्लियर होनी है कि पेरुबाड़ी यूनियन वाद में ये माना गया था कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपसे कह रहा है कि भारत
एक गणराज्य है, इसका अर्थ आपको बताना है। सभी मतलब भारत एक गणराज्य है, भारत के साथ जो गणराज्य वर्ड ऐड हुआ है इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है या फिर भारत राज्यों का संघ है। तो आप याद रखिए गणराज्य का मतलब था कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणराज्य, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि भारतीय संघ का प्रधान अर्थात जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है। तो इसलिए हमने भारत के साथ में गणराज्य वर्ड ऐड किया है। गणराज्य से सीधा सीधा आप मतलब समझिए कि हमारा देश जो है वो वंशानुगत नहीं है। और कैसा है तो आप कहेंगे कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी मेजर पद होते हैं वो कैसे होते हैं तो वो निर्वाचित अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा था। अगर हम बात करें भारतीय संघ की तो इसमें सहराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा था ये आपको बताना है। गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। सिक्किम जो है भारतीय संघ के सहराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। और अगर हम बात करें किस अमेंडमेंट के तहत तो ये 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत का 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा ही सिक्किम को भारतीय संघ में सहराज्य के रूप में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अमेंडमेंट ऐसा था जिसके तहत जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति हुई थी। आपको ऑप्शन दिया हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर चार्टर अधिनियम 1833। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833। इसी अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। अब आपको बताना है कि जो संविधान सभा के द्वारा जो लास्ट में संविधान आपका बन के तैयार हुआ था उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी, 6 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, 11 अनुसूचियां या फिर 12 अनुसूचियां। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से मतलब टोटली आपको ये बताना है, आपसे डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि जो आपका मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में अगर हम बात करें कितनी अनुसूचियां हैं तो कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बार एग्जाम में रिपीटेड है ये क्वेश्चन कि भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी, किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी ये आपको बताना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1862 के द्वारा, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो आप याद रखिए कि भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किसके तहत लागू की गई थी, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेज यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए हैं, मौलिक अधिकार के रूप में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में या फिर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का परिमाण। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है भारत के संविधान में अब्सॉर्ब किया गया है। और अगर हम बात करें कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को और क्या कहते हैं तो आप याद रखिएगा निर्देशों का उपकरण भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी।
भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके तहत आपको बताना है कि जो लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपके सामने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपका? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये इस गलत है, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये गलत है। बाकी और ये दोनों ऑप्शन जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में सही हैं। तो ये थे आज के आपके पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। और साथ ही साथ हमने जो आपको बुक सजेस्ट की है, जो चक्षु पब्लिकेशन की है, वो आप एक बार उसको पढ़कर देखिएगा, फिर आप हमें फीडबैक देखिएगा। चक्षु पब्लिकेशन ने आपके वीडियो के लिए बहुत ही बेहतरीन इस बुक को बनाया है। तो अभी अगर आप इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।